मेरा नाम तैमूर बिन कलीम है और मैं हाजिर अभी पर मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। और आप अभी जो है वो शाही बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर ओल्डेस्ट डेजर्ट प्लेस है ये, जिसके ऊपर सिंध भर से लोग आते हैं। सिंस 1948 से हाजी की रबड़ी, जो आपने नाम सुना होगा मशहूर, ये वही प्लेस है और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से भर से लोग आते हैं और पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं रबड़ी खाने के लिए और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए ले जाने के लिए भी। सिंस 1948 से, जैसे कि मैंने बताया कि सिंस 1948 से ही ये हम लोग अपनी आवाम के लिए एक बेहतरीन माउथ वाटरिंग डेजर्ट डिश लेकर आए हैं, जो कि प्योरली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है और इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ मौजूद नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के फ्लेवर्स होते हैं। एक सादा रबड़ी, जिसे हम वाइट नॉर्मली कहते हैं कि वाइट रबड़ी जो होती है, लोगों को पता ही है। और एक सेकंड फ्लेवर होता है पिस्ता फ्लेवर, जिसमें पिस्ताचू ऊपर से मैरिनेट कर देते हैं हम लोग और ऊपर से इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। बहुत ज़बरदस्त वो एक यूनिक सा फ्लेवर बन जाता है। और इसके साथ साथ हमने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी उनका भी ख्याल रखा है, क्योंकि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वो रबड़ी पसंद करते हैं, मीठा तो नहीं खा सकते, तो उनके लिए हमने डाइट रबड़ी जो है वो बिल्कुल शुगर फ्री, उसके अंदर कोई शुगर नहीं होती। हाँ, लेकिन जो मिल्क की नेचुरल शुगर टेस्ट होता है वो उसके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि वो तो नेचुरली होता है, वो हम हटा नहीं सकते, तो वो नेचुरल उसके अंदर होता है। तब तो 1948 के अंदर तो आपको पता सस्ता दौर था, बहुत ज़्यादा इतने रेट्स नहीं थे, लेकिन अभी भी हम लोगों के रेट्स जो हैं वो लास्ट अगस्त के अंदर से 560 रुपीज़ थे और अभी 600 रुपीज़ है पर केजी। इसके अंदर कोई कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, सिर्फ़ और सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक मिल्क और एक शुगर। सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है, तो इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ हम यूज़ नहीं करते। मिल्क होता है और उसके साथ साथ इसके अंदर शुगर हम लोग ऐड करते हैं मिठास के लिए, और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, मिडिल में रखते हैं, ताकि हर टेस्ट रखने वाला जो बंदा है वो ईज़ीली इसको टेकआउट कर सके। बेस्ट है, उसकी वजह ये है इसमें ज़्यादा चीनी वाला टेस्ट नहीं आ रहा, समझ रहे आप? समझ गया। तो मज़ेदार है, बाकी लच्छे तो इतने हैं कि हमसे ये प्लास्टिक के चमचे से टूटी नहीं रहे। इसके बाद पिस्ते वाली भी खाता हूँ, उसका टूट गया। पिस्ता रबड़ी, यार ये कलर तो डालते होंगे, फूड कलर डालते होंगे। यार सेम है, इसमें भी ज़्यादा चीनी नहीं है, तो बेहतरीन है मेरे हिसाब से। वो स्क्रीन टाइप मज़ा होता ना, वो नहीं आ रहा है। हाला है भाई, बेहतरीन है, ऑथेंटिक है, एक नंबर।